याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें पूछे कि क्यों नहीं दर्ज हुई एफआईआर। साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट में यह बात कही गई है कि इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है। ट्रांसफर अर्जी जनहित याचिका कैसे हो सकती है, क्योंकि परमवीर सिंह ने जो याचिका दायर की है उसमें अपने जो ट्रांसफर हुई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पोस्ट से ट्रांसफर को लेकर भी चुनौती दी है। साथ ही साथ जो गृह मंत्री है मुंबई के उनको लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। इन तमाम मुद्दों पर जब सुनवाई हो रही थी बॉम्बे हाईकोर्ट में तो उसमें कहा गया कि एफआईआर के बिना जांच नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, आपको याद हो परमवीर सिंह ने सबसे पहले यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में सीधे लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहां पर पहले क्यों आए, आप पहले हाईकोर्ट जाते इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और वहां से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तब आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। अब मुंबई हाईकोर्ट ही बॉम्बे हाईकोर्ट में अब यहां पर इस वक्त जब सुनवाई चल रही है तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एफआईआर के बिना जांच नहीं हो सकती है। साथ ही साथ ट्रांसफर की अर्जी जो है वो जनहित याचिका यानी कि वो पीआईएल कैसे हो सकता है, तो ये कई अहम और गंभीर सवाल है जो कि खुद हाईकोर्ट ने पूछा है परमवीर सिंह मामले में। तो बड़ी खबर सामने आ रही है परमवीर सिंह मामले में। परमवीर सिंह ने याचिका दायर की थी जिसमें मुंबई के गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी।